हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल पर। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर के। तो आइए बिना रुके बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का कमान किसने संभाल लिया है। तो रियर एडमिरल हैं संजय वत्सायन, और ये रहे रियर एडमिरल संजय वत्सायन। कहने का मतलब है कि रियर एडमिरल संजय वत्सायन भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट के कमांडर बन गए हैं। किनके स्थान पर बने हैं? तो रियर एडमिरल सूरज बेरी के स्थान पर ये बन गए हैं, और ये रहे रियर एडमिरल सूरज बेरी। यदि हम बात करें रियर एडमिरल सूरज बेरी को लेकर के, तो ये जल्द ही अंडमान और निकोबार कमान के त्रिसेवा प्रमुख के रूप में कार्यरत होंगे। कहने का मतलब है कि चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये सारा कुछ खेल हुआ विशाखापट्टनम के एक प्रभावशाली समारोह के दौरान। यदि अब हम बात करें कि पूर्वी बेड़े को लेकर के, तो उसे भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ बात करेंगे कि नौसेना के पूर्वी कमान को लेकर के, यानी ईस्टर्न नेवल कमांड को लेकर के, जो है भारतीय नौसेना के तीन कमांड में से एक है। और ये रहा मुख्यालय का फोटोग्राफ, जो कि विशाखापट्टनम में है, जो आंध्र प्रदेश में है। स्थापना 1 मार्च 1967 को किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि नौसेना के वर्तमान प्रमुख, या कह सकते हैं कि चीफ कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। ये रहे एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि हाल ही 31 मई 2019 को बने थे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।